और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको सीधे यही बता देते हैं। कृषि कानून को लेकर आर पार की जंग के मूड में नजर आ रही है गहलोत सरकार। अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, कृषि कानून पर आर पार के मूड में गहलोत सरकार, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि हम किसानों के साथ है। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने भी ऐलान किया है, केंद्र के काले कृषि कानून लागू हम होने नहीं देंगे, चाहे हमारी सरकार ही क्यों ना इसके लिए चली जाए। उन्होंने ये बात कही, भारत सरकार कुछ भी कर ले पर कानून लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं अन्नदाताओं को काफी नुकसान है। और इसी को लेकर लगातार सरकार की ओर से केंद्र को अपील भी की जा रही है कि आप इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। महेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मौजूद हैं। महेश, इस बात को एक बार फिर से क्लियर कर दिया गया है सरकार की ओर से, मंत्री की ओर से, कि चाहे कुछ भी हो जाए, केंद्र की ओर से जो कृषि कानून को बनाया गया है, लागू किया गया है, उसे हम लागू नहीं होने देंगे, यानी कि प्रदेश सरकार लागू नहीं होने देगी। जी बिल्कुल, देखिए, प्रदेश सरकार के उद्योग एवं राजकीय उपक्रम मंत्री प्रसाद लाल मीणा के द्वारा एक चौंकाने वाला बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राजस्थान के कांग्रेस जो सरकार है, वो जो केंद्र सरकार के द्वारा जो कृषि कानून बनाया गया है, उसको किसी भी सूरत में राजस्थान में लागू नहीं करने दिया जाएगा। उसके लिए चाहे हमारी सरकार रहे या ना रहे, हम उस बिल को राजस्थान में लागू नहीं होने देंगे। जी महेश, आपको याद होगा कि बीते दिनों सरकार की ओर से बिल भी वहां पर भेजा गया था राज्यपाल के पास, जिस पर मोहर लगनी थी, लेकिन इसे रोक दिया गया है। लेकिन अब जिस तरीके से यहां पर मंत्री ने कहा है कि चाहे हमारी सरकार भी क्यों ना चली जाए, लेकिन हम केंद्रीय कृषि कानून को लागू नहीं होने देंगे, अब विकल्प क्या कुछ बचता है? जी बिल्कुल, देखिए, इसको लेकर उद्योग मंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि उन्होंने जो इसके कृषि कानून बनाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उसको लेकर एक विधेयक पारित किया है अपने राजस्थान सरकार ने, उसको उन्होंने राज्यपाल के पास भेज रखा है। हालांकि राज्यपाल ने उस बिल, मतलब जो विधेयक था, उसको अभी तक आगे नहीं भेजा है, और उसको लेकर भी उद्योग मंत्री ने बयान दिया है कि राज्यपाल महोदय कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, अभी तक इस बिल को आगे नहीं भेजने दिया जा रहा है, लेकिन हम किसी भी सूरत में राजस्थान में जो नया कृषि कानून बना है उसको हम लागू नहीं होने देंगे। इस कानून से किसानों के साथ धोखा हो रहा है और इस कानून से किसानों को नुकसान होगा। जहां कृषि अनाज मंडियां जो खुली हुई है, अगर ये कानून अगर राजस्थान में लागू हो जाता है तो यहाँ की कृषि मंडियां भी बंद हो जाएगी, उनके भी ताले लग जाएंगे। और महेश, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि MSP हो या फिर मंडी हो, इसी को लेकर जो किसान है वो आंदोलनरत है। एक महीना हो चुका है जब दिल्ली के चौखट पर, दिल्ली के दहलीज पर ये अन्नदाता जो है वो डटे हुए हैं। यहाँ पर सरकार भी इस बात तो कह रही है कि देखिए, जब तीनों कृषि कानून आ जाएगा, मंडी इससे कहीं ना कहीं बंद हो जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार इसको लेकर कुछ और बातें कहती है, लेकिन प्रदेश सरकार जिस तरीके से बात कह रही है कि इससे कहीं ना कहीं किसानों को काफी ज्यादा नुकसान होगा, और हमें किसानों की बात सुननी होगी, क्योंकि अगर हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? जी बिल्कुल, देखिए, इसमें उद्योग मंत्री ने एक साफ बात कही है कि ये इसमें सिर्फ अंबानी और अडानी उन लोगों के लिए ये कानून बनाया गया है मोदी सरकार ने, जिसे वो अपना घर बैठे माल किसानों का खरीद लेंगे और किसानों को उसके माल के फसल का पैसा मिलेगा भी या नहीं मिले, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। वो अंबानी और अडानी को मालामाल करने के लिए केंद्र सरकार ने नया कृषि कानून बनाया है, उसको हम किसी भी सूरत में राजस्थान में लागू नहीं करने देंगे। हम राजस्थान के किसानों के साथ धोखा नहीं करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेश, आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बंद मजदूरों की मजदूरी बंद, नए कानून जो केंद्र सरकार के आए हैं, अगर ये कानून लागू हो गए देश में तो ये सब मंडियों के ताले लग जाएंगे, मजदूर अपने घर चले जाएंगे, बड़े बड़े अडानी और अंबानी व्यापारी आएंगे तो घर बैठे ही खरीद के स्टॉक कर देंगे सारे माल का, वही किसानों से खरीद लेंगे, व्यापारी मजदूर मुनीम क्या करेंगे? अब सोचिए, ऐसे काने काले कानून बनाए जिसका पूरे देश में किसान नहीं व्यापारी भी विरोध कर रहे हैं। शायद मंडियां भी कई दिनों तक बंद रही, व्यापारियों ने भी विरोध किया, और किसान करीब 1,00,000 किसान दिल्ली की बॉर्डर पे इस ठंड में 29 दिन से धरना दिए बैठे हैं। आज 30वां दिन है, व्यापारी किसान मजदूर ये सब बर्बाद हो जाएंगे। तो मंडियां हमने विकसित की, जो मंडी हमने बनाई, जब मंडी का लाइसेंस की उनको जरूरत नहीं रहेगी, पैन कार्ड से खरीद लेंगे, दिल्ली और बम्बई में बैठे बैठे सारा माल खरीद के ले जाएंगे, वहीं से किसान का पेमेंट भी करेंगे कि नहीं करेंगे, किसान ने अपना माल दे दिया, बहुत सारे लोग माल लेके चले गए पहले मंडी में, ये गारंटी है। जिस दिन माल आएगा
हमारी मंडियों में गारंटी है, जिस दिन माल बिकेगा किसान का उसी दिन पेमेंट हो जाता है। किसी कोई एक शिकायत, मेरे ख्याल से 35-40 साल में एक भी शिकायत नहीं मिली कि व्यापारी ने किसान का पेमेंट नहीं किया। विधानसभा में नया कानून बनाया, तीनों विधेयक को रोकने के लिए कानून पारित कर दिए, कानून तीनों हमने राज्यपाल महोदय को भिजवा दिए, राज्यपाल महोदय कुंडली मार कर बैठे हैं। अगर इस तरह मंडिया को किसान व्यापारी मजदूर कहाँ करेंगे, सब बिहार बंगाल के मजदूर आ जाएंगे, यहाँ के लोकल मजदूर ये सब बेरोजगार हो जाएंगे। अगर ये कानूनों को नहीं रोका गया, कानूनों को वापस नहीं लिया गया, तो देश पूरा बर्बाद हो जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगी, किसानों की सारी जमीनें भी औने पौने धामों में बड़े करोड़पति अरबपति अनिल और अंबानी अडानी खरीद लेंगे। हम चाहते हैं कि किसान जिंदा जब रहेगा जब ये तीनों कानून वापस हों। खूब मंडियां चल रही थी, किसान खुश थे, व्यापारी खुश थे, हमारे मजदूर खुश थे, सारे लोग खुश थे। क्या जरूरत पड़ी थी, किसने मांग की थी ऐसे कानून लाने की, किसकी जरूरत थी, किसने मांग की? आज सारा किसान विरोध कर रहा है, सारे दुनिया विरोध कर रही है। क्या जरूरत थी ऐसे कानून लाने की, काले कानून लाने की? ये कानूनों के लिए वापस किसानों ने जो धरना दे रखा है, उस धरने का अच्छा नतीजा निकलेगा मेरी समझ में। पंजाब हरियाणा और यूपी के किसान, राजस्थान के किसान भी हमारे शाजापुर बॉर्डर पर 30-40 हजार बैठे हैं। हम सबको किसानों की हौसला अफजाई के लिए, किसान जिंदा रहेगा तो मंडियां रहेगी, किसान जिंदा रहेगा तो मजदूरियां करेंगे मजदूरी, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा, मंडियां बंद हो जाएगी, मंडियों के ताले लग जाए। बाहरी माल खरीद लेंगे, टैक्स नहीं लगेगा, या तो टैक्स लगेगा, बाहर टैक्स नहीं लगेगा, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, तो फिर कौन आएगा मंडी में खरीदने भाई, व्यापारियों का कौन माल खरीदेगा? इसलिए पहले ही फसल बो देंगे, उससे पहले ही खरीद लेंगे किसान से सीधी। ये देश के लिए सोचने विषय है, और हम इस मंडियों के विकास के लिए, राजस्थान के किसानों के विकास के लिए, आज किसान को अगर जरूरत होती फसल के पहले भी, व्यापारी उसको 10-20-50 लाख 2 लाख वैसे ही दे देता है, भैया फसल में माल लाऊंगा जब दे दूंगा। बहुत सारे व्यापारी देते हैं, हमारे सब देते हैं, जिनके निजी लगे बंदे हैं सब देते हैं। वहां किससे मांगोगे? अडानी अंबानी की सूरत ही नहीं जानते, शकल ही नहीं जानते, किससे मांगेंगे पैसा? भाई मेरे काम पड़ गया, 1 लाख रुपए चाहिए, कौन देगा? ये सोचने विषय है, और हम हर कीमत पर हमारे इन तीनों काले कानूनों को राजस्थान में लागू नहीं होने देगी। चाहे कुछ भी हमको करना पड़े, चाहे हमारी सरकार चली जाए, चाहे हम रहे या नहीं रहे, पर इन कानूनों को लागू नहीं होने देंगे, किसी कीमत पे लागू नहीं करेंगे। चाहे भारत सरकार कुछ ही कर ले, चाहे हमारी गवर्नमेंट को भंग कर दे, तब भी हम इन कानूनों को लागू नहीं करेंगे। विधानसभा से हमने जो कानून पारित किए हैं वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे, राष्ट्रपति जी उनको मंजूर करे, नहीं तो दूसरा राष्ट्रपति करेगा, दूसरी देश की जनता करेगी। ये जनता का शासन है, किसी ब्यूरोक्रेट का शासन नहीं है। जनता के द्वारा बनी हुई सरकार, चाहे भारत सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, जनता के द्वारा चुनी गई सरकारें हैं। इन सरकारों को निश्चित रूप से जनता के प्रति जवाबदेही होना पड़ेगा। जनता क्या चाहती है, किसान क्या चाहता है, मजदूर क्या चाहता है, ये अगर ये हम इन चीजों को वहां नहीं उठाएंगे, इनकी पैरवी नहीं करेंगे, कौन करेगा पैरवी वहां पर? इसलिए इन कानूनों को किसी कीमत पर हमारी सरकार लागू नहीं करेगी, और मंडी की अभी बहुत सारी समस्या आई। और इस बीच टोंक से एक बड़ी खबर मिल रही है, जरा ये आपको बताते हैं, आपको बताएं कि अजय माकन पहुंचे हैं टोंक, ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन का ये टोंक दौरा, तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी साथ में मौजूद है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वजाहत अख्तर मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ मौजूद हैं। वजाहत, वहां पर पहुंच चुके हैं अजय माकन, साथ ही साथ गोविंद सिंह डोटासरा की भी मौजूदगी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वो प्रदेश के दौरे पर हैं, उनके साथ साथ आज गोविंद सिंह डोटासरा जो है प्रदेश अध्यक्ष, वो जयपुर सड़क मार्ग से कोटा जा रहे थे। इसी दौरान टोंक डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की ओर से NH 12 पर पक्का बंदा क्षेत्र पर एक स्वागत कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था, लेकिन जो उत्साह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में स्वागत से पहले दिख रहा था, अब वही मायूसी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नजर आ रही है, क्योंकि जो अजय माकन थे और गोविंद सिंह डोटासरा थे वो अपनी गाड़ी में ही मौजूद रहे, गाड़ी से बाहर नहीं उतरे। कांग्रेसियों ने मालाएं उनको गाड़ी पर ही पहना दी, और उसके साथ साथ ही जो डोटासरा थे वो भी गाड़ी से नहीं उतरे, और 40-45 सेकंड का ये कुल दौरा यहाँ पर रहा, जिसके बाद से कांग्रेसी यहाँ पर मायूस नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वजाहत आपका, तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए।
तो कोटा बारा बूंदी झालावाड़ के नेताओं से दरअसल वो चर्चा करने वाले हैं। हालांकि बहुत ज्यादा वक्त के लिए यहाँ पर नहीं रुके वो, जिस तरीके से मेरे सहयोगी इस बात का जिक्र करते हैं कि महज 40 सेकंड के लिए वो वहां पर रुके थे और इसी रास्ते से वो गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा, और इस दौरान यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता थे वो उन्होंने भव्य स्वागत उनका किया, फूल मालाओं से उनका स्वागत यहाँ पर हुआ है। अजय माकन का कोटा संभाग का दौरा आज। और यहां पे वक्त हो गया एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।